हेलो एवरीवन, पल्स स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारी राजस्थान जीके की ऑनलाइनर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, तो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली शिवाना दुर्ग को कहा जाता है। शिवाना दुर्ग यह बाड़मेर में स्थित है, बाड़मेर में। वो इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया पंवार शासक वीर नारायण द्वारा। पंवार शासक वीर नारायण द्वारा। और शिवाना का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना का क्या नाम रखा? शिवाना का खेराबाद नाम रखा, खेराबाद नाम रखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसका एक उपनाम भी है, मारवाड़ के राज्यों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? शिवाना को कहा जाता है, और साथ ही जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। उपनाम जालोर दुर्ग की कुंजी। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्णगिरी का किला कहाँ स्थित है? तो स्वर्णगिरी का किला है जालोर में, जालोर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण नागभट्ट के द्वारा करवाया गया, नागभट्ट के द्वारा करवाया गया। और ये नागभट्ट प्रथम है, और इस किले में मलिक शाह पीर की दरगाह स्थित है। मलिक शाह पीर की दरगाह है, कि दरगाह है स्थित है। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस पर भी आक्रमण किया गया, और अलाउद्दीन खिलजी ने स्वर्णगिरी का नाम बदलकर, यानी जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया, और ये स्वर्णगिरी जालोर में ही है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर का नाम जलालाबाद किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र किला जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया, यानी राजस्थान का कौन सा किला है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया? तो राजस्थान में भैंसरोड़गढ़ का किला है जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया था। भैंसरोड़गढ़ का किला, भैंसरोड़गढ़ का किला। इसका एक नाम और है, इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया बेसासा है, वह रोड़ा चारण बंजारे के द्वारा, रोड़ा चारण बंजारे के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा पानी का टाका किस किले में स्थित है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा पानी का टाका जयगढ़ में स्थित है, जयगढ़ का किला, जयगढ़ का किला। और ये जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? यह जयपुर में स्थित है, जयपुर। और इसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। सवाई जय सिंह को आप जय सिंह सेकंड भी कह सकते हो, जय सिंह सेकंड।
क्योंकि ये उपाधि सेकंड की ही लगी है, सवाई सवाई जय सिंह। और ये है किला इंदिरा गांधी के द्वारा खुदाई करवाने के कारण चर्चित हुआ था। इस किले में एक छोटा दुर्ग है विजय गड्डी, जहाँ इंदिरा गांधी द्वारा खुदाई करवाई गई थी। विजय गड्डी इस किले में, ये छोटा दुर्ग वहाँ पर इंदिरा गांधी ने खुदवाई करवाई थी। इंदिरा गांधी द्वारा खुदाई के कारण चर्चित हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? तो शिला देवी का मंदिर स्थित है आमेर में। और ये आमेर का किला भी कहाँ है? ये भी जयपुर में ही है। और इसका निर्माण भारमल के द्वारा करवाया गया था। प्रारंभिक निर्माण भारमल के द्वारा करवाया गया था, भारमल द्वारा। और इसमें शिला देवी के मंदिर के साथ ही इसमें शीश महल और जगत शिरोमणि का मंदिर भी है। शीश महल वह जगत शिरोमणि का मंदिर भी स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माधो सिंह द्वारा एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस किले में करवाया गया? तो माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ में करवाया था, नाहरगढ़ का किला। और ये नाहरगढ़ का किला भी जयपुर में ही स्थित है। और इसका प्रारंभिक निर्माण तो सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। सवाई जय सिंह कह दो या जय सिंह सेकंड कह दो, एक ही बात है। और इसका वर्तमान स्वरूप राम सिंह सेकंड के द्वारा दिया गया, राम सिंह सेकंड के द्वारा। और इस राम सिंह सेकंड ने ही जयपुर शहर को गुलाबी रंग से पुतवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, प्रताप सिंह। और ये हवा महल कहाँ पे स्थित है? ये है जयपुर में ही स्थित है, जयपुर में स्थित। यह है 5 मंजिला है, 5 मंजिला हवा महल 5 मंजिला ऊंचा है। और इसका कारीगर का नाम, यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका कारीगर कौन था। तो इसका कारीगर यानी वास्तुकार कौन था? लालचंद। कर्नल टोड ने इसे एक उपमा दी है, कर्नल टोड ने इसे कृष्ण का मुकुट कहा गया, क्योंकि इसका आकार कृष्ण के मुकुट के समान है। कर्नल टोड ने इसे कृष्ण का मुकुट कहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल महलों का निर्माण किसने करवाया? तो जल महलों का निर्माण प्रारंभिक निर्माण तो किसने करवाया? सवाई जय सिंह या जय सिंह सेकंड भी कह सकते हो आप, सवाई जय सिंह। जबकि वर्तमान स्वरूप जो अब वर्तमान स्थिति में है, वर्तमान स्वरूप का निर्माता प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह जिसने हवा महल का निर्माण करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनय विलास महल कहाँ स्थित है? तो विनय विलास महल अलवर में स्थित है। और ये पहले वाले क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना कि ये जल महल है ना, ये भी जयपुर में ही है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विनय विलास महल कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया?
इसका निर्माण करवाया विनय सिंह के द्वारा, विनय सिंह। और वर्तमान में इस विनय विलास में टाइगर डेन होटल संचालित है, टाइगर डेन होटल होटल संचालित है। और इस किले में सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र हैं, यानी महल में, इस महल में सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र हैं, गणिकाओं के चित्र है, यानी वेश्याओं के चित्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बीकानेर में, बीकानेर में। और इस लालगढ़ महल का निर्माण गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया, महाराजा गंगा सिंह, गंगा सिंह द्वारा, अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में, अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में, स्मृति में। और अनूप महल और गजनेर महल भी बीकानेर में स्थित है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है? तो शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है खेतड़ी महल, खेतड़ी महल को कहा जाता है। और खेतड़ी महल कहाँ है? झुंझुनू में, झुंझुनू में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण खेतड़ी के शासक या ठाकुर भूपाल सिंह के द्वारा करवाया गया, भूपाल सिंह। और इसे शेखावाटी का हवामहल तो कहते ही है, साथ ही इसे राजस्थान का दूसरा हवामहल भी कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा हवामहल। उम्मेद भवन महल का निर्माण किसने करवाया? तो उम्मेद भवन महल का निर्माण जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया, उम्मेद सिंह। और यह जोधपुर में स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, महल है। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, जल्द ही इसकी दूसरी सीरीज भी लेकर आएंगे। थैंक यू।